अगला जो अवार्ड है ये जिनके ताबून से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, परिसीमा फैशन, बहुत ही फेमस लेडीज फैशन डिजाइनर हैं जिसकी 20 से भी ज्यादा सालों की जो एक्सपर्टीज है, उनका नाम है शबनम बानो अंसारी, जिनकी मेजबानी में, जिनकी अगुवाई में ये परिसीमा फैशन जो है वो काम कर रहे हैं। और ये गोमतीपुर रोड बापू अहमदाबाद में लोकेटेड है, कामदार मैदान के करीब। ये भी बहुत अपने आप में एक बहुत कमाल का शोरूम है। 20 साल बहुत ही हार्ड वर्क और स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने अपना खुद का ये शोरूम बनाया है, जो कि बहुत कम वक्त में इस अहमदाबाद में बहुत फेमस हो चुका है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 500 रुपए से शुरू होकर तकरीबन 1 लाख रुपए तक का कलेक्शन, जिसमें लेडीज ड्रेस डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, लाचा, सरारा, गाउन जैसे कई लेडीज ड्रेस मटेरियल आपको मिल सकते हैं। तो हम दिल से शुक्रिया अदा करें शबनम बानो अंसारी परिसीमा फैशन के, कि जिन्होंने अगले अवार्ड देने के लिए हमें ताबून दिया। और अगला अवार्ड जो पा रही हैं वो 2017 से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में उन्होंने काम किया है, और मोदी केयर में भी वो पिछले 2 साल से काम कर रही हैं। प्योर लोन और सिफोन के ड्रेसेस और ब्रांडेड कुर्ती का और कई लेडीज वेयर एंड कॉस्ट्यूम का भी ये डिजिटल मार्केटिंग करती हैं और बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। वैसी ये हमारी अगली अवॉर्डी है द जाइना क्लोजेट की, नाजिया मुकीत साचा। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां होनी चाहिए नाजिया मुकीत साचा जी के लिए, बहुत बहुत मुबारक। और अवॉर्ड देने के लिए परिसीमा में से अगर कोई यहां, शबनम बानो अंसारी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाएं अवॉर्ड देने के लिए। शबनम बानो अंसारी, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए इस अवॉर्ड के लिए, मुबारक आपको, बहुत 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 मुबारक। और अगला जिन्हें अवॉर्ड दिया जा रहा है परिसीमा के स्पॉन्सरशिप में, वो अवॉर्ड एलिगेंस ब्यूटी केयर एंड ब्राइडल स्टूडियो की हमारी ओनर हैं, जो कि 25 सालों का एक बहुत बड़ा तजुर्बा इन्हें मिला है। और ये विनर रह चुकी हैं 2014 में बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, जहां कलकत्ता में इन्हें ये अवॉर्ड हासिल हुआ था। और ब्राइडल मेकअप जो है वो उनकी बहुत बड़ी खसूसियत रही है। बिल्कुल मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हमारी अवॉर्डी शबाना शेख के लिए होना चाहिए। और ये अपने काम में तो डेडिकेटेड है ही, लेकिन देखें कहीं भी अगर बुलाया तो कितना पंक्चुअली जाना चाहिए। सबसे पहले आई थिंक आने वाले गेस्ट में शबाना शेख का नाम मैं ले सकता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है। ये 6 बजे के पहले एक्चुअली आकर के बैठ गई थी, अपना अपनी स्थान अपना जगह ले लिया था। जोरदार तालियां दोनों अवॉर्डीज के लिए होनी चाहिए। नाजिया साचा जी एंड शबाना शेख, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक एंड बहुत दिल से शुक्रिया अवॉर्ड देने वालों का भी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इज्जत है और ये जो भी मुकाम आज दिया गया है, आप लोगों की रिस्पेक्ट मिली हुई है, ये सिर्फ मेरे अल्लाह की अता है, जो बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ तक पहुँचाया। और इसके लिए बेशक फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज खड़ी हुई हूँ। तो लाइक टू थैंक टू माई हस्बैंड, माई मदर, फादर एंड माई इन-लॉज ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो लेडीज का हौसला हमें यहाँ तक इतनी इज्जत दी है, जो हम लोग शायद अप्रिशिएट करें, एक अप्रिसिएशन चाहिए रहता है हम जितना भी काम करें, तो वो आज मिला है और बहुत ही खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम ऑल। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा रुतबा है माँ, जो शादी के पहले और शादी के बाद है शौहर का, मैं मेरे शौहर का और मेरी माँ का और मेरी फैमिली का बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। और ऑफ कोर्स
FBS एंड दोनों मोहसिन भाई का शुक्राना अदा करती हूँ। अगले